हेलो बच्चों, सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। एसिड एनहाइड्राइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, कार्बोक्सिलिक आपको मिलता है और दो मोल कार्बोक्सिलिक। लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए बस ये देखना जरूरी है कि अटैकिंग रिएजेंट जो होता है या अटैकिंग स्पीशी जो है वो किस ग्रुप पे अटैक करती है, वो देखना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए, मान लीजिए कि आप लोगों को मैं सिर्फ अगर रिकॉल करवाऊं और याद दिलाऊं तो एक एसिड एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल का एग्जांपल पहले लेते हैं, ठीक है। ये इथेनॉइक एनहाइड्राइड हमारे पास दोनों तरफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसे सारे अटैचमेंट है। मान लीजिए आप सिंपल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो या फिर आप जो है कैसा हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, बेस हाइड्रोलिसिस। हमें देखना यह कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनने वाला, प्रोडक्ट तो कॉमन रहेगा लेकिन किस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। तो एक तरफ तो देखो ये कार्बोक्सिलिक मिलेगा और एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक मिलेगा, ठीक है। चेक कीजिएगा तो हमें इस बार दो मोल कार्बोक्सिलिक मिलेंगे और दोनों ही एक जैसे होंगे, तो सीधे मैं लिख सकता हूं टू मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये ग्रुप होता, मतलब ये कार्बोक्सिलिक मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं सॉरी ये वाला एनहाइड्राइड अगर होता, इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और एक तरफ इथाइल, जो कि इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, ठीक, तो एक साइड आपको दो, देखो ये दो कार्बोक्सिलिक का मिलेगा और एक साइड आपको तीन कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कार्बन का कार्बोक्सिलिक मिलने वाला है। तो चलो प्रोडक्ट इनके बना, फिर देखने वाली भी ये बात है कि वॉटर कौन से ग्रुप पे जाकर अटैक करने वाला, ठीक। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा रहेगा, ये रहेगा दो कार्बन का इथेनॉइक और इस साइड से मिलेगा यस तीन कार्बन का, कितने कार्बन का, तीन कार्बन। चेक करो एक बार प्रोडक्ट, फिर चेक करते हैं कि वाटर किस पे जाके अटैक करता और कैसे वो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो देखो यही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। अब हमारे पास ये CH3COO और इस तरीके से ये दिया हुआ था, ठीक। अब जैसे ही आप वाटर ऐड करते हो, मतलब वाटर सिस्टम में प्रेजेंट है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करने की कोशिश करता है, ऐसे सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो देखो वो सेंटर कहां है इसमें, वो सेंटर ये रहा, इस ऑक्सीजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर शो कर रहा है और ये वाला भी। लेकिन ध्यान से ये देखना भी जरूरी है कि जब दो दो सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किस पे अटैक होगा। तो ध्यान दीजिए, इनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील कर रहा होगा उस पे अटैक करेगा। और एक और चीज, जो उस कार्बन से जुड़े ग्रुप हैं वो छोटे साइज के होने चाहिए, क्योंकि अगर साइज काफी बड़ा होगा तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन फील करना होगा, मतलब रिपल्शन लगेगा उस पे, तो वो इतना जल्दी काइनेटिकली अटैक नहीं कर सकता, है ना। और यहां पे देखो इसके साथ छोटा ग्रुप लगा है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला अटैक ज्यादा प्रेफरेबल होगा दोनों फैक्टर के बेसिस पे, या ये वाला। एक तो पहली बात कि छोटी अल्काइल चेन का जो इसका जो प्लस आई फैक्टर वो कम है, इस अल्काइल चेन का यानी कि इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत भी कम है। साथ ही साथ ये ग्रुप बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक इजिली नहीं कर सकता। तो आप समझ गए कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है, भाई ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो समझाएं आगे, चलो सीखो। तो हुआ ये, फिर जैसे ही वो अटैक करने जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, ठीक। तो जरा देखो ओ माइनस, ठीक, यहां पे आएगा ओ एच टू, इस तरीके से मतलब ओ प्लस लिख सकता हूं ओ एच टू के साथ, और ये आपका एज इट इज, ये आपका एज इट इज, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक। चेक किया यहां तक, अब क्या होगा, तो बिल्कुल यहीं पे आपको समझा देते, प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगी, इस हाइड्रोजन को यहां से रिलीज करेगी, तुरंत ये वाली ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को ले लेगी, ठीक है। देखना यहीं पे सारा कुछ होने वाला है, तो ये ऑक्सीजन तो डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक, और ये प्रोटॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ, चलो देखो ये CH3CO-, ये OH रहेगा, O के ऊपर प्लस, ये CO, ध्यान से देखो, हाँ जी हाँ जी, बस हो गया, ठीक। अब क्या होगा सर,
तो भाई अब ये ऑक्सीजन अपना बर्डन जो इलेक्ट्रॉन्स का था वो नीचे डिस्चार्ज करेगा, तुरंत ये यहां से लेके हट जाएगा। तो ऐसे में देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट वही बनेंगे, यानी कि हमें बस ये देखना है कि अटैकिंग रिएजेंट जो है जैसे वाटर वो किस पे अटैक कर रहा था, स्मॉलर अल्काइल चेन जिस CO ग्रुप के साथ जुड़ी हो, ठीक है, और जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो दोनों फेवर में छोटी अल्काइल चेन वाला आ रहा था। तो ये OH इसके साथ, और यहां पे देख सकते हो आप 1, 2, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ऐसे, तो ये रहा प्रोडक्ट। आया समझ सबको? ठीक, तो इसी तरीके से अगर कोई और अनसिमेट्रिकल हो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, ध्यान से देखो, ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास, ये देखिए ये। तो अब क्या करना है आपको, भाई प्रोडक्ट बनाना तो बड़ा ही आसान है, वाटर इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है, एक इस साइड का कार्बोक्सिलिक बना के देना है, एक उस साइड का कार्बोक्सिलिक, तो प्रोडक्ट बनाना तो मुश्किल है ही नहीं। लेकिन अब आप ये जरूर समझ गए होंगे, पहले तो मैं यहां पे प्रोडक्ट लिख दूं, चलो प्रोडक्ट लिख देता हूं, एक तो कार्बोक्सिलिक ये मिलेगा इसमें और दूसरा मिलेगा 3 कार्बन का, है ना, तो CH3CH2CO। लेकिन जब हम इसके फर्दर एनालिसिस और अंदर के पार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं वाटर जो है आपका वो अब यहां पे भी अटैक कर सकता है या फिर यहां पे भी, तो आप जरा देख के बताओ कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है। बिल्कुल, आप कहोगे कि ये रिंग बड़ी है, बल्कियर है, तो ये रिपल्शन फील करेगा, साथ ही साथ ये जब इस तरीके से ट्रांसफर होगा तो ये आपका पाई बॉन्ड के थ्रू इसकी कमी को, रेजोनेंस के थ्रू कमी को बैलेंस कर देगा, तो ये वाला कार्बन जो है उतना गरीब तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो इस वाले पे अटैक ये प्रेफरेबल नहीं है, ये वाला अटैक यहां पे माना जाएगा। तो अटैक यहां पे होगा और इसी के थ्रू आपको ये वाला एसिड मिलेगा और इसी अटैक के थ्रू आपको ये एसिड मिलेगा, समझ आया आपको। इसी तरीके से बेस हाइड्रोलिसिस भी सेम होता है। कैसे? बेस हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, बेस हाइड्रोलिसिस में जहां हम H2O लिखते हैं ना सिंपल, उसकी जगह हम लोग OH लेते हैं। तो देखो कोई भी, जैसे मैं रैंडम एग्जांपल इस तरीके से ले लेता हूं, ये ऐसे इस तरीके से, है ना, अनसिमेट्रिक, यहां पे OH माइनस होगा, तो आप देखो OH माइनस को किसी भी एक पार्ट पे अटैक करेंगे, ये स्मॉलर अल्काइल चेन अगर है तो ये, ठीक ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो चेक करो कितना आसान है ये, O माइनस R डैश OH। अब क्या होगा, अब ये यहां ट्रांसफर करेगा वापस, ये इधर से लीव करेगा और लास्ट में एसिडिफिकेशन होगा, है ना, तो चेक करो RCO, देखो 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 O माइनस और इस साइड देखो क्या बनेगा RCOO, ये देखो, है ना, फिर इसका क्या करना पड़ेगा एसिडिफिकेशन, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। कर लिया आपने, एसिडिफाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो आप बेस हाइड्रोलिसिस करो या एसिड हाइड्रोलिसिस करो, इसका आर डैश आएगा इधर वाले का, है ना, इधर वाले का ये आर डैश, तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक, तो एसिड और सिंपल हाइड्रोलिसिस करें या फिर आप अगर आप बेस हाइड्रोलिसिस करें, प्रोडक्ट वही, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक इस साइड का और एक इधर का, लेकिन अटैकिंग की बात हो तो स्मॉलर अल्काइल चेन और ज्यादा गरीब जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उस पे अटैक करें। आशा आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।